दोस्तों, ये है दिलीप रावल। बचपन से ही अलग था दिलीप, पर 4 साल की उम्र होते होते उनकी आंखों में तकलीफ होने लगी। धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई, लेकिन जिंदगी जीने की चाह नहीं छोड़ी। मुश्किलें तो बहुत आई, पर पढ़ाई जारी रखी। यहाँ से शुरू होता है कुछ बनने की तैयारी। गाना से दोस्ती की और रिया शुरू किया। आज गांव में, स्कूल में, त्योहारों में गाना गा के लोगों का दिल जीतते हैं। खाली वक्त में वो ढोल बाजे भी बजाते हैं। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम दिलीप पोपड़ भाई रावर है। आप किस गांव के रहने वाले हो? मैं काशिंद्रा गांव में रहता हूँ। ओके, और आप बचपन में आपके साथ क्या हुआ था? बचपन में मैं जब 4 वर्ष का तब मेरी दृष्टि चली गई थी। ओके, आप पढ़ाई करते हैं? मैं 12th आर्ट्स में पढ़ता हूँ। कौन से स्कूल में? नॉर्मल सार्वजनिक हाई स्कूल में पढ़ता हूँ, नॉर्मल स्कूल में। अच्छा, आप नॉर्मल स्कूल में जाते हो? यस। वो क्यों? मेरे दोस्त नॉर्मल स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे और मेरे बड़े भाई भी जा रहे थे, तो मैंने नॉर्मल स्कूल में जाने के लिए सोचा। हमारे घर में मेरा बड़ा भाई है और मेरी मम्मी है और मैं हूँ। हम तीन लोग हैं। मेरे पापा बचपन में ही, मैं जब छोटा था तब एक्सपायर्ड हो गया और मेरी मम्मी ने हमको बहुत तकलीफ उसको पड़ी, फिर भी हमको बड़ा किया। और मेरी मम्मी अभी भी बहुत काम करती है और मुझे पढ़ाती भी है। आज उसका मन में ऐसा है कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया है और उसको नौकरी मिल जाए, ऐसी तमन्ना है उसके मन में। आइए हम अब दिलीप के दोस्त को बुलाते हैं। आपका पूरा नाम? मेरा पूरा नाम है दीवान मोइनुद्दीन शाह। आपने इनसे दोस्ती कैसे की दिलीप के साथ? मैंने दोस्ती की, मैं इसके पास रहता हूँ, उसका पड़ोसी हूँ। okay. मैं बचपन से इसको जानता हूँ बराबर। तो ये जब उसको समझ में आया तो हम सब लोग खेल रहे थे। okay. तो ये बोला कि मुझे भी खेलना है। तो जो दूसरे लड़के थे उन्होंने इसका मजाक उड़ाया। अच्छा। कि तू हमारे साथ नहीं खेल सकता, हमारे साथ दौड़ नहीं सकता, तू दिखता नहीं है तुझे, इसलिए तेरा बस की बात नहीं है। मुझे दुख हुआ कि मेरा इसकी जगह मेरा भाई होता ऐसा, उसको दिखता नहीं है तो मैं उसको खिलाता। तो फिर मैं उसके घर गया और उसको बोला कि तू निराश मत हो, हम दोनों खेलेंगे, आज से हम दोनों दोस्त। फिर हम दोनों साथ में अभी तक पढ़ते हैं और वो आज भी मेरा दोस्त है। अच्छा, तो तुम दोनों साथ एक ही स्कूल में जाते? एक ही स्कूल में जाते हैं। और दोनों की क्लास कौन सी? मेरी क्लास है 12th कॉमर्स और उसकी क्लास है 12th आर्ट्स। अच्छा, तो तुम्हारा एक ही स्कूल में पढ़ना? हाँ, है एक ही स्कूल में। तो बचपन से दूसरे को जानते हो? हाँ। इसका स्कूल में व्यवहार कैसा है? इसका स्कूल में व्यवहार सर और मैडम प्रति तो अच्छा है और सब दोस्तों भी। अभी ये गाता है, भजन गाता है स्कूल में और सब इसका भजन के सब दीवाने हैं। ये गाने लगा ना तो सब सोच में पड़ जाते हैं कि क्या गा रहा है ऐसे। अच्छा। इसको दिखता नहीं है फिर भी ऐसा अच्छा आवाज है इसका, ऐसे सोच में सब पड़ जाते हैं। इसमें मतलब ये टैलेंट है? हाँ, टैलेंट है गाने का। और ये कुछ बजा भी लेता है? हाँ, ये ढोलक बजाता है। अच्छा। हाँ। दिलीप, और क्या बजा लेते हो दिलीप? मुझे ढोलकी बजानी आती है और गाने की भी आता है। हाँ, आप कुछ रियाज भी करते हो? हाँ, मैं रियाज करता हूँ घर पे। जब मुझे छुट्टी होती है स्कूल में तब मैं गाना भी गुनगुनाता हूँ और ढोलकी भी कभी कभी बजाता हूँ। अच्छा,
इसका मतलब आप सारे गानों का रियाज करते हैं घर पे बैठे बैठे खाली वक्त पे? अच्छा दिलीप, बहुत बहुत धन्यवाद आज आप यहाँ पे आए। थैंक यू मैडम। आशा करती हूँ कि आप इसी तरह जिंदगी में आगे बढ़ते जाए, अपनी पढ़ाई पूरी करें और कुछ बन के दिखाए अपनी मम्मी को। ओके, थैंक यू। हमारे ट्रस्ट के तरफ से आपको एक छोटी सी भेंट हमारे तरफ से। थैंक यू। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं मेरे भाई अनजन मेरे जैसे जो भाई बहन है उसको मैं मैसेज करना चाहता हूँ कि भले आपको देख नहीं सकते लेकिन फिर भी आपको हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। अपने मन में जो भी मंजिल है उसको पार करना ही रह के ही चाहिए। मैं जब 7-8 साल का था तब मैंने सोचा था कि मैं क्या करूँगा, और मैं अभी मुझे अचानक एक सर मुझे मिल गया और वो सर ने मुझे पढ़ने के लिए कहा, तो मैं स्कूल पढ़ने के लिए चला गया। तो मैं पढ़कर अभी 12वीं कक्षा तक पहुंच गया हूँ और मुझे गर्व है कि मैं 12वीं कक्षा तक पढ़ा और मैं कुछ करके दिखाऊंगा और अपने मेरे जैसे अनजन भाई बहन को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप हिम्मत ना हारिए, आपके मन में एक लगाव रखिए कि मैं एक दिन ऐसा बन के दिखाऊँगा कि हम लोग सोते रह जाएंगे। नगन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्रविड़ उचल बंगा, विजय मा जल यमुना गंगा उचल जल दिख रंगा, तब शुभ नामे जागी तब शुभ आशीष मागी, गाए तब जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद। वेलकम बैक। दिलीप की जिंदगी की खास बात यह थी कि उनके माता पिता ने उन्हें स्वीकार किया, उनकी जो भी विकलांगता थी उनके साथ उन्होंने स्वीकार किया। बहुत से माता पिता ऐसा नहीं कर पाते, तो मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि ऐसे बच्चों को अपने घर पे पूरी तरह स्वीकार करें। और दूसरी और अहम बात, दिलीप की माँ ने जोर दिया था कि वो सामान्य स्कूल में पढ़े, जहाँ वो सामान्य बच्चों के साथ खेले पढ़े और बढ़े, जिससे वो ज़्यादा सीखे। तो आप लोग भी हो सके तो अपने बच्चों को सामान्य स्कूल में भेजने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आज हमने शेयर की आपके साथ दिलीप की कहानी, जो अंध है पर जिंदगी से हार नहीं मानी। हमारे देश में ऐसे कई विकलांग हैं जिनको आपके प्रोत्साहन की सख्त ज़रूरत है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।